जब वो थक जाता है तो उसको वापस यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे उसका सिर काटा जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर से लोग शॉटपुट खेलते हैं भाई साहब। अगर आप नागालैंड में आ रहे हैं और गांव में ट्रैवल कर रहे हैं तो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखें। काल बारुआ सभी के, तो नागालैंड के सबसे खूबसूरत गांव में से एक पेरेन जिला के गांव में वालों के स्वागत बा। इस गांव का नाम है बेनरियू और यहां कल रात में आया था। पेरेन जिला नागालैंड के 12 जिलों में से एक है और इस ज़िले को लैंड ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हर ज़िले को अलग अलग नाम दिया गया है, तो इसी तरह पेरेन जिले को यह नाम दिया गया है। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा हैं और वन ऑफ द मोस्ट जो डेंस फॉरेस्ट है वो इसी जगह पे हैं, तो इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। और अभी कल रात में जहाँ पे मैं आया था तो मैं इस जगह पे रुका हूँ। ये है वो कमरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो कमरा, ये मेरा बिस्तर, एक और बेड है यहाँ पे, तो मैंने इस पे सामान रख दिया है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये जगह। और इधर मेरे जो होस्ट हैं दिवम, उनका कमरा है यहाँ पे। इधर ये वॉशरूम है, वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा आपको, शैम्पू, फेस वॉश, हर चीज़ है यहाँ पे, तो बिल्कुल घर जैसा है। होम स्टे में भी बिल्कुल घर जैसा है। उसके अलावा इधर ये इनकी पूरी प्रॉपर्टी है, तो ये किचन का रास्ता है, ये उनका प्यारा सा किचन। मैं जब खाना खाने जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। और बेनरियू विलेज के बारे में, इस गांव के बारे में आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ। इस गाँव में बमुश्किल 100 घर हैं, 100 या 125 घर हैं। गांव की कुल आबादी वही 400 से 500 के बीच है, 400 ही होगी मेरे ख्याल से, 500 भी नहीं है। और यहां पे चारों तरफ वैली ही वैली है। और ये है वो गांव, और ये गांव जो फेमस है इस गांव में, इस पहाड़ के दो पहाड़ और बाद माउंट पौना है, वो नागालैंड का तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ है, तीसरी सबसे बड़ी चोटी है माउंट पौना। उसका भी मैं ट्रिप करूँगा कल या परसों, देखता हूँ। तो इस गांव में मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ। और यहाँ पे ना मौसम बिल्कुल सही है, मतलब अभी आप लोग दिल्ली में गर्मी से बेहाल होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब रात में ठंड लगती है, 2 कंबल लेना पड़ता है, दिन में भी मतलब जैकेट डाल के रहना पड़ता है। अभी दोपहर का वक्त है चूँकि, तो मतलब 11 बज रहा है, 11:30, तो इस वक्त मतलब आप एक टी शर्ट पर रह सकते हैं, बाकी सुबह में, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में और रात में बिना मतलब कंबल और जैकेट के गुजारा नहीं है। तो जब आप समर्स में आएंगे, बेसिकली बरसात को यहाँ पे समर्स बोला जाता है, समर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि मई में ही यहाँ बारिश शुरू हो जाती है बहुत मूसलाधार, तो उस टाइम जब आप आएंगे तो ये पूरा बादल 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 और 2-3 हफ्ते तक लगातार बारिश होती है। इस गाँव में बारिश रुकती ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मैं करने वाला हूँ, एक माउंट पौना का ट्रैक करूँगा, एक आपको गांव दिखाऊंगा, आज ही ये गांव ही दिखा रहा हूं मैं एक तरीके से, और एक मैं यहां गांव में ज़िंदगी कैसी है, खेत में कैसे लोग काम करते हैं वो दिखाऊंगा। तो यहां पे मैं आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा इस जगह के बारे में, और ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो अभी शाम में मैं जाऊँगा गाँव घूमने और देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। एंड ये है मेरे दोस्त दिवम, जो हम लोग साथ में कई चीज़ें अभी यहाँ पर गाँव में एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ, और ये देखिए नज़ारा, और ये किचन में, ये है किचन। तो अभी दिवम ने खाना खा लिया है और मैं अभी खाना खाऊंगा,
देखता हूँ खाने में क्या क्या है। ये है, इसको बोलते हैं, इसमें पॉर्क है, यम है, ये पॉर्क है और ये स्नेल्स है। तो ये कल रात में था डिनर में, अभी भी बचा हुआ है। उसके अलावा एक दाल है और ये जो है ये पॉर्क्यूपाइन का मांस है। पॉर्क्यूपाइन मतलब साहिल। तो दीपम 4-5 दिन पहले शिकार पर गए थे तो उन्होंने एक हिरण और 2 साहिल मारे थे, तो ये उसी का मांस है। कल रात में खाया था मैंने, ये बिल्कुल मटन की तरह लग रहा था। इसके अलावा ये जो है ये मछली की चटनी है। तो और साथ में है राइस, आलू, ग्रेट एंड दिस वन। अच्छा, वी कॉल दिस रंबा। ओके, रंबा रंबा, या दिस इज बैम्बू शूट और व्हाट? नो, दिस इज आलू प्लस द बनाना। ओके, बनाना द दैट सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बनाना, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बनाना क्रस विद द टिन फिश। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रूट? आई फॉरगॉट। Cucumber, it's cucumber, but How to eat it? Like this? No, you don't have to peel it off. Peel off in your face. No, not like that. You have to peel it off with a knife. You have to peel it off with a knife. With a knife? Yeah. Okay. Have this one, it's okay. No, don't have it. It's already spoiled. This one is spoiled? Yeah, spoiled. This one also? Yeah, don't have it. Okay. ये खराब हो गया है शायद। I'll try later, okay? Yeah. It's okay. I'll bring it for you. Very nice, you can take this. That's you. You can start. और नागालैंड में इस प्लेस में खाना मेरी आदत बन गई है। व्हाट यू कॉल इट इन योर डायलेक्ट? कोकपी। कोकपी, या कोकपी। तो यहाँ पे जेलियंग में इसको कोकपी कहते हैं। हर जगह अलग अलग नाम होता है, अंगामी लोग कुछ और कहते हैं। अच्छा, वी कॉल इट कोक कोक, बट सिंस इट हैज द हैंडल वी कॉल इट पी कोकपी। कोकपी, व्हाट इज, बट अंगामी हैज डिफरेंट नेम फॉर दिस, चखेसांग हैज डिफरेंट नेम फॉर दिस, कोनियाक हैज डिफरेंट नेम। यस यस यस। तो ये आपको हर नगा गांव में, हर घर में मिलेगा, लेकिन हर ट्राइब में इसका नाम अलग अलग होता है। और ये काफ़ी बढ़िया है, आराम से हलवा पकड़ के आपके पास बैठ के खाते रहिए। तीनों से मीट खाते खाते थोड़ा मन भर गया है मेरा, नॉनवेज नहीं खाना चाहता मैं। तो आज मैंने लिया है दाल चावल या आलू की सब्जी और यमचक। तो ये खाऊंगा मैं भी। ये जो चीज़ है ना, डाइनिंग टेबल पे बैठे खाने के लिए सही नहीं है। जब आप नीचे बैठते हैं ना आग के पास, तो इसको हाथ में पकड़ के और आराम से खा सकते हैं आप। डाइनिंग टेबल पे देखिए कितना ऊंचा चला गया ये, तो ये डाइनिंग टेबल के लिए नहीं है। देसी चीज़ है, देसी तरीके से खाना पड़ेगा। डाइनिंग टेबल विदेशी है। अगर आप नागालैंड में आ रहे हैं और गाँव में ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। पहला, आपको तीनों टाइम चावल खाने को मिलेगा मोस्टली। हो सकता है कई जगह आपको रोटी या कुछ और मिल जाए, लेकिन मोस्टली आपको तीनों टाइम चावल खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा मांस का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको हमेशा मांस भी मिलेगा। आप शाकाहारी हैं तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपके लिए उतने ऑप्शंस नहीं होंगे। जैसे मांस में आपको कई तरह के मांस मिलेंगे, और शाकाहारी में क्या है कि दाल चावल और सब्जी मिलेगी आपको, लेकिन सब्जी जो है ना हमारी तरफ के जैसी नहीं होती, मसाले में भून के और इस तरह से बनाई हुई, और उतने ऑप्शंस भी नहीं है सब्जियों के। तो सब्जी में आपको बॉयल्ड लीव्स ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि आपको पत्ता गोभी मिलेगा। यहाँ जो
मतलब कि आप हर घर के बाहर देखेंगे कुछ अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं। आपको मतलब शुरू में पता भी नहीं हुआ कि इसको खाया जाता है, लेकिन आप देखें कि उसको तोड़ के लाया गया, उसको बनाया गया, तो उसको भी बॉयल करके यहाँ के लोग खाते हैं। तो शाकाहारी में, शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, गाँव की बात कर रहा हूँ, तो शाकाहारी में नागालैंड के गाँव में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अगर आप सिर्फ दाल चावल और ये हरी सब्जियाँ ऐसे बॉयल्ड खा सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मांसाहारियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मांस हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना चाहते हैं। Your feet is too high in this place. So I was saying the same thing. This is, you know, local thing. Yeah. And dining table is like foreign thing. Don't use local thing with foreign thing. Yeah. If it's local, be like local. और अभी यहाँ बेंद्रू विलेज में शाम हो गई है और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। वो पहाड़ों पे उधर कहीं बादल छाए हुए हैं और उनसे रोशनी जो छन छन के गिर रही है, क्या शानदार लग रहा है ये। और अभी शाम में हम लोग, मैं और दिबम गांव घूमने जाएंगे। तो ये काफ़ी छोटा सा गांव है जैसा मैंने आपको बताया था। ये देखिए बस इतना ही घर है और इतने ही घरों का ये गांव है, और एक दो घर ऊपर में है और एक चर्च है उधर। तो बस ये छोटा सा गांव है बस। और ये गांव वाकई बहुत खूबसूरत है, मतलब कि आप वहाँ से शुरू करेंगे तो ऐसे आके फिर नीचे, फिर ऐसे जाके फिर ऊपर, तो नीचे ऊपर और बीच का इलाका है। हेलो। और यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है तो आराम से यहाँ पे बैठिए और यहाँ बैठ के सामने नज़ारा देखिए। और ये इस तरफ घाटी, और कल हम लोग जाने वाले हैं खेतों में, तो वो जो दिख रहा है ना आपको नीचे कहीं पे, वो है खेत। तो कल जाएंगे हम वहाँ पे। कितना खूबसूरत गांव है ये। You wanna go up? Go? Up, up. Yeah. Because this is the best time to go up, na? Yeah, yeah. तो दीपम बता रहे हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे हिडंडी के बाद सिर ला के रखे जाते थे, एंड यहाँ पे लड़कियों को जाना मना है, यहाँ पे लड़कियाँ टच नहीं कर सकती। तो ये वो जगह है जहाँ पे लाके सिर रखे जाते थे, राइट? प्रकाश अजाम भाई निजाम है दिल्ली आते हैं। सो हाउ मेनी हेड्स लाइक इन योर विलेज? ओ दैट वी कैन सी ना। They buried and after that buried again. Okay. This is our trans morung. Okay. तो इस गांव में how many morungs are there in your village? 14. इस गांव में कुल 14 morung हैं और हर clan का अलग अलग morung है। तो ये दिबम के clan का morung है। और यहाँ पे बाकी जगहों की तरह जैसे आपने मोर में देखा होगा, कोकचुंग में देखा होगा, वैसे ही सारे हेड्स लगे हुए हैं। The animals hung. Oh. This are the skulls. Maybe I'll come in the morning. This is bed. Yeah, this is the bed. Oh. These are carved out from one so tree. You bed for who? For the. This is bed for who? For the youth, no? For the youth. Only the youth can sleep. Youngsters. Ladies, they can't touch. Yeah. Can they can't touch? During for first time. So I think there is no problem for. Okay. All the youths, they will have to come and sleep here. Oh. In the morning, and then every they will play games, this and that, warfare. Everything will be kids here. So they used to sleep in the morning itself every day. Yeah. One. Like I think 30-40 people can easily sleep on this. ये इतना बड़ा बेड है, पता नहीं अभी कैमरे में आ रहा है कि नहीं। सो आई वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस इन द मॉर्निंग ऑल्सो ना, दिस इज रियली गुड।
Okay. And then they'll tie it and cut the head. Yeah, after the rituals, they'll let the mitun run, and the youth, the village youth, they'll chase the mitun. Okay. And only after chasing the mitun, they'll bring it again. Mm-hmm. It's like see chasing. It's like a games. Games. Yeah. The youth, see, whoever catches first, he has a name. Name? So, yeah, so. And he, I mean, I think he used to keep the head with him, yeah, right? Yeah, yeah. But see, just say, in case if I get it, I got it, I'm the hero of the yeah. village for the, this year. Nah? Mm-hmm. It's kind of like that. Yeah. जैसा कि दीपम ने बताया, ये जो जगह है यहाँ पे जब फेस्टिवल होता है तो मिथुन का सिर यहाँ पे काटा जाता है। मिथुन को पहले छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे सारे यूथ भागते हैं। जब वो थक जाता है तो उसको वापस यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे उसका सिर काटा जाता है। और इस जगह को बोला जाता है, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, इस पर लिखा हुआ था, द हरसम बुई राइट्स, HERSAMBUI, हरसम बुई राइट्स जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होता है। This is just the war gate. War gate. Yeah. I mean the entrance gate of the village. Mm-hmm. And okay, during war this and that, but this thing will be covered with bamboo, with that kind of thing, nah? Mm-hmm. Where the enemies can't enter, and the gate will be closed. Okay. This is the entrance gate, and the exit gate is the exit gate is behind. Okay. Down there. Okay. तो जैसा कि बाकी नागा गांवों में होता है कि हर गांव में एक मेन जो गेट होता है, मेन दरवाज़ा जो होता है जहां से सारे लोग एंटर करते हैं, तो यहां भी वैसा ही वो गेट है। और सुरक्षा के लिए बेसिकली हर गेट पे कुछ लोग तैनात होते हैं, अगर कोई बाहरी गांव वाला आक्रमण करता है तो उसे सुरक्षा के लिए। सो यूज टू कीप लाइक गार्ड फॉर दिस गेट ऑल्सो ना, बट इट्स सेम एवरीवेयर लाइक इन एवरी नागा विलेज। This is short put. Yeah, short put stone. भाई साहब ने बताया कि ये शॉर्ट पुट खेलने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये जो है, this one is for kids. This one for the kids. ये है बच्चों के लिए। This one is for the teenagers. Yeah. This one for? Who? Every guys, na? Uh-huh. And this thing for the strong ones. Proceed. हमने पुल आएगा। इतने बड़े-बड़े पत्थर से लोग शॉर्ट पुट खेलते हैं भाई साहब। How much can you? At least 30. ये जो बड़ा वाला है ये शॉर्ट पुट के लिए नहीं है, इसको हाथ में कैरी करके, और ये जो फील्ड है यहाँ पे ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो जो जितनी बार चक्कर लगाएगा सबसे ज़्यादा बार वो होगा विनर। ये बड़ा वाला पत्थर कम से कम 50 किलो का है, और ये तीनों फोर शॉर्ट पुट राइट, बाकी तीन पत्थर जो है शॉर्ट पुट के लिए हैं। तो आप लोग भी इस गांव में आइए और यहां आके रुकिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। बाकी मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूं और फिर एक अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।